पेन का जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस किन कारणों की वजह से होता है और किस चीजों से ये बढ़ता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम घर पे बैठ कर ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पर पहले ऐसे कुछ सवाल है जिसका आपको जवाब देना होगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि आपको जो नी पेन की तकलीफ है उसका क्या कारण है। तो पहला सवाल ये कि आपको जमीन पर बैठने में या स्पेशली पलाठी लगाकर बैठने में तकलीफ होती है? कि आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने के दौरान घुटनों में दर्द होता है? आप जब भी जमीन पर बैठते हैं तो पाँव को सीधा रखकर बैठना पड़ता है? कि आपको अपना घुटना सीधा करते समय या मुड़ते समय उसमें दर्द होता है या उसमें से कुछ आवाज आती है? जो आप इन सभी तकलीफों से गुजर रहे हैं तो आपको घुटने का आर्थराइटिस यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जो घुटनों के आर्थराइटिस 55 या 60 वर्ष में लोगों को होता था वो आजकल 45 या 50 वर्ष में होने लगा है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस अनेक कारणों की वजह से होता है, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हाल जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो है शरीर का वजन बढ़ना। कुछ लोगों के पैर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं या तो बाहर की तरफ होते हैं। इससे शरीर का वजन एक ही जगह पर आने की वजह से आर्थराइटिस की तकलीफ हो सकती है। कुछ किस्सों में यह जीनेटिक यानी कि वारसागत भी हो सकता है। नी आर्थराइटिस आदमी से ज्यादा फीमेल यानी कि स्त्रियों में ज्यादा होता है। रिपीटेटिव इंजरी टू द नी जॉइंट यानी कि नी में कई बार एक ही जगह पर चोट खाने की वजह से भी घुटनों का आर्थराइटिस हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि घुटनों के आर्थराइटिस में जो जॉइंट है उसमें कौन से चेंजेस होते हैं। नॉर्मली हमें नी जॉइंट ऐसे दिखाई देता है, पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में दो बोन्स के बीच की जगह जिसे कि हम जॉइंट स्पेस कहते हैं वो कम हो जाती है और बोन की सरफेस में भी चेंज आ जाता है। अब हम देखते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे कम कर सकते हैं और उसे कैसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो पहले जो शरीर का वजन ज्यादा हो तो उसे कम करना चाहिए। जमीन पर हमें पलाठी लगाकर या पैरों के बल और पांव को सीधा रखकर बैठना नहीं है। हमेशा बैठने के लिए पलंग या चेयर का इस्तेमाल करें। सीढ़ियां चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए। नीचे तकिया लगाकर सोना नहीं चाहिए। चलते समय आप नी कैप भी पहन सकते हैं। अब हम घुटनों के आर्थराइटिस यानी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने के लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो हम घर पे बैठकर भी कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है नी प्रेस। पहले हमें पांव स्ट्रेट करके बैक को सपोर्ट मिले ऐसे बैठना है। अब पटेला जिसे हम नी कैप भी कहते हैं उसे नीचे की ओर दबाना है। दबाकर 5 सेकंड तक रखना है। उसके बाद धीरे से नी को ढीला करना है। उस एक्सरसाइज में आप नैपकिन रखकर भी नी को नीचे प्रेस कर सकते हैं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये एक्सरसाइज आप बिना नैपकिन के ही करें। याद रखें कि इस एक्सरसाइज में पैर एंकल से उठना नहीं चाहिए। ये एक्सरसाइज एक सेट में आपको 10 बार करनी है। दूसरी एक्सरसाइज है 20 डिग्री पाँव को ऊपर करना। पाँव को सीधा करके पेट को दीवार के सहारे रखकर बैठना है। अब घुटनों के नीचे टावल को रोल करके रखना है। उसके बाद पाँव को घुटनों में से सीधा ऊपर करना है। 5 सेकंड तक पाँव को ऊपर ही रखना है। वापस धीरे धीरे से नीचे लाना है। ये एक्सरसाइज एक सेट में आपको 10 बार करनी है। अब तीसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। पाँव को सीधा करके पीठ को दीवार के सहारे रखकर बैठना है और फिर पैर को एंकल में से अपनी ओर खींचना है। खींचकर 30 सेकंड तक रखना है। फिर धीरे से नीचे की ओर ले जाना है। एक सेट में ये एक्सरसाइज 3 बार करनी है। आप कोई भी कपड़ा या दुपट्टे की मदद से भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली 3 एक्सरसाइज अगर आप बैठ कर ना कर सके तो इसे आप सीधा लेटकर भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है SLR यानी स्ट्रेट लेग रेजिंग। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा सोना है।
झुनी में आपको पेन हो रहा है, उस पैर को आपको 40 डिग्री तक सीधा ऊपर करना है, वहां उठाकर 5 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे नीचे लाना है। याद रहे, पांव जब भी उठाए तब घुटनों में से सीधा रहना चाहिए, घुटनों में से बैंड नहीं होना चाहिए। ये एक्सरसाइज एक सेट में आपको 10 बार करनी है। पांचवी एक्सरसाइज है साइड में से पैर को ऊपर करना। जिस घुटने में दर्द हो रहा है वो ऊपर की हो ऐसे लेटना है, फिर जो पैर में दर्द हो उसे सीधा 40 डिग्री तक ऊपर करना है, वहां 5 सेकंड तक होल्ड करना है और बस धीरे धीरे से नीचे लाना है। याद रहे, इस एक्सरसाइज में घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटने से पैर सीधा रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज एक सेट में आपको 10 बार करनी है। अगली एक्सरसाइज है नी बेंडिंग। इसमें आपको उल्टा लेटना है। याद रहे, दोनों फुट पलंग के बाहर होने चाहिए। घुटने में दर्द हो रहा है उसे बेंड करना है जितना हो सके उतना, और वापस से नीचे लाना है और सीधा कर देना है। ये एक्सरसाइज एक सेट में आपको 10 बार करनी है। आखिरी एक्सरसाइज है पैर को सीधा करना। पिक्चर में दिखाया गया है वैसे चेयर टेबल या पलंग पर पांव लटका कर बैठना है, दोनों हाथों से चेयर को पकड़ कर रखना है, फिर जो घुटना अफेक्टेड है उसे सीधा ऊपर करना है, वही 5 सेकंड तक रखना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। याद रहे, कमर में से सीधे बैठकर ये एक्सरसाइज करनी है। एक सेट में ये एक्सरसाइज 10 बार करनी है। दिन में ऐसे एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। जो आपके घर में स्टैटिक साइकिल हो तो वो आप 20 या 30 मिनट तक चला सकते हैं।